Hello students, assalamu alaikum. I am Sir Munwar, your maths teachers. I hope you are fine. आज हमारे पास डिस्कशन है जिस चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले चैप्टर नंबर टू है हमारे पास रियल नंबर सिस्टम्स रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंट. ठीक है, आज जो उसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारे पास जो है जिस एक्सरसाइज पर आज का लेक्चर डिपेंड करता है वो एक्सरसाइज है आपके पास 2.8 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है और ये एक्सरसाइज हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर बोर्ड पेपर यानी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है. तो आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज टर्म जो है हमारे पास उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं यानी वो टर्म्स रेशनलाइज किस तरीके से होते हैं. पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझें, सोचें कि टर्म्स डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर्स क्या होता है. पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर्स हम कहते हैं ऊपर वाला चीजें जो पार्ट्स होते हैं ना हमारे पास डिवाइड में. ठीक है, एक लाइन के ऊपर टर्म्स होता है और एक लाइन के नीचे टर्म्स होता है. ऊपर वाले टर्म्स को हम कहते हैं न्यूमरेटर्स एंड लाइंस के नीचे वाले पार्ट्स को हम कहते हैं डिनोमिनेटर्स यानी वो हमारे पास डिनोमिनेटर्स की कंडीशन में होते हैं. ठीक है, तो नीचे वाला जो टर्म्स है आपके पास उसको हम रेशनलाइज करेंगे यानी उसको हम चेंज करेंगे. चेंज का रेशनलाइज का मकसद क्या होता है, वो ही डिनोमिनेटर यानी वो ही टर्म्स जो है आपके पास उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है, डिवाइड फॉर्म में भी. फिर उसकी जो साइन है आपके पास वो साइन सिर्फ आपको एक्सचेंज करनी है यानी चेंज करनी है. तो इसको हम कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर. कहीं हमारे पास आ जाता है कि न्यूमरेटर को रेशनलाइज करें और कहां पर हमें आता है कि डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज करें. तो रेशनलाइज टर्म का मतलब क्या होता है यानी नीचे वाला जो पार्ट है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर्म में लिखें और बट ओनली चेंज द साइन, उनकी जो साइन होती है वो चेंज होती है. तो ये हमारे पास टर्म होता है रेशनलाइज का, कि इस टर्म को हम रेशनलाइज इसी तरीके से करते हैं. तो ये हमारे पास एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि यही टर्म्स जो इसमें आप मेथड अप्लाई करें वही मेथड आप अगले जो आपके पास एक्सरसाइज या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उसी टर्म को उसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो थोड़ा सा सोच लें कि रेशनलाइज होते कैसे, किस तरीके से इस चीज को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, आ जाए स्क्रीन की तरफ तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को देखें और जो इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो जैसे हमारे पास आसानी हो जाए. ठीक है, हमारे पास जो मैथमेटिक्स का लेक्चर्स हमारे पास है. ठीक है, देखिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. एक्सरसाइज आपके पास 2.8, एक्सरसाइज 2.8, राइट. क्वेश्चन नंबर वन देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर वन क्या है, इफ एक्स इज इक्वल्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. क्वेश्चन नंबर वन इज इफ एक्स इज इक्वल यानी वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. Find the value of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square. यानि आपको two values, एक value x की value आपके पास given है, यानि given value है आपके पास सिर्फ x की, और find क्या करना है आपको x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x. यानि solution set आपको two part terms के find करेंगे, एक x plus 1 upon x का and x square plus 1 upon x square का. अब देखिए हमें क्या फाइंड करें, लिखेंगे सॉल्यूशंस. इफ एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो वैल्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद देखिए हम आपको फाइंड क्या करना है, टू वैल्यूज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट. अब देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पहले हम फाइंड करें, जो चीज आपको पहले पता है जो चीज फाइंड करते हैं पहले उसके देखते हैं उसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, यानी जो जो चीजें आपको फाइंड करनी है पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वो देखेंगे आपके पास उसकी वैल्यू फाइंड है तो वो वैल्यू आप पहले क्या करें फाइंड करें. ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वन अपॉन एक्स. अब देखें क्या x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है, अगर है तो वो रखेंगे फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, पर जो चीज नहीं है पहले हम वो चीजें फाइंड करेंगे. हमने देखा x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है बट x वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड x वन अपॉन एक्स यानी वन अपॉन एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो लिखा आपने वन अपॉन एक्स इज इक्वल वन. देखिए अब देखो आसान स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर ये चीजें हैं कि वन आपने सेम कंडीशंस में लिखा डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू इज एक्स इज टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट थ्री. तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई. तो अब आपको क्या करना है,
रेशनलाइज। अब देखिए आपके पास जो मेन टॉपिक्स थी यानी हेडिंग थी जो एक्सरसाइज थी उसमें क्या था यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 2 - √3। तो 2 - √3 इज द रेशनलाइज। तो ये आपके पास क्या है रेशनलाइज। अब इसको डिनोमिनेटर सॉरी अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। देखें 2 - √3 तो मैंने कहा था सिर्फ साइन चेंज करके बाकी टर्म जो है जो नंबर है वो सेम रखने हैं। सिर्फ साइन विल बी चेंज उनकी साइन चेंज करनी है आपको। 2 - √3 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे बट साइन चेंज। अगर यहाँ माइनस था तो हमने प्लस लगा दिया 2 + √3 / 2 + √3 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने क्या किया रेशनलाइज। क्वेश्चन ये है आपके पास सर ये टर्म्स कहाँ से है इसी डिनोमिनेटर क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये चीज मौजूद थी। वन तो आपने लिखा एक्स की ये 2 - √3 कहाँ से आए ये एक्स की क्या है वैल्यू। एक्स किसके बराबर है 2 - √3 क्योंकि एक्स जो है वो डिनोमिनेटर की कंडीशन में एक्स जो है आपके पास वो आपके यानी डिवाइड में है डिनोमिनेटर में है तो इसलिए इसकी वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में ही लिखी। ठीक है अब क्या करेंगे इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज के बाद क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करते हैं। सिंप्लीफाई हम इसको इसी तरीके से करते हैं कि ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 के साथ तो आंसर क्या आएगा 2 + क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर सेम ही आ जाएगा। डिवाइडेड बाय अब देखिए 2 को 2 के साथ स्क्वायर 2² हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √3 को √3 के साथ करेंगे तो √3 स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसकी वजह से यानी चीजें आ रही। या अदरवाइज आप इसको फार्मूले मुताबिक भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है 2 - √3 2 + √3 यानी 2 टर्म्स आपके पास गिवन है बट साइन विल बी चेंज यानी फिर तो आपको डिफरेंस फार्मूला याद होगा a² - b² बराबर होता है आपके पास a+b एंड a - b के बराबर जैसे a² - b² इज इक्वल a+b एंड a - b यानी टर्म सेम हो बट साइन चेंज हो तो वो स्क्वायरिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने इसको स्क्वायरिंग कर तो फिर क्या किया 1/x इज इक्वल 2 + √3 यानी न्यूमरेटर आपने सेम कंडीशन में लिखा। डिनोमिनेटर क्या है 2 के ऊपर स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब यहां पर देखें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इनवर्स क्या होता है स्क्वायर यानी स्क्वायर का इनवर्स होता है स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट का इनवर्स होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर कैंसिल्ड वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेंगे 3। ये देखिए न्यूमरेटर आपने सेम लिखा ऊपर वाला टर्म सेम लिखा नीचे वाले को आपने सिंप्लीफाई किया यानी 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो आंसर 3। तो स्क्वायर रूट आपने सेम लिखा। अब देखिए 4 में से जो 3 चले जाएंगे क्या बचेगा 1। अब आंसर क्या आ गया x 1/x किसके बराबर है 2 + √3 क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये वैल्यू आपके पास किस चीज की आ गई ये वैल्यू थी हमारे पास 1/x की क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू तो हमारे पास गिविन थी तो उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 1/x की तो 1/x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या है x + 1/x क्योंकि x की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 1/x की वैल्यू भी गिवन है अब दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है आज हम नेक्स्ट स्लाइड पर उसके बाद नाउ वी फाइंड x + 1/x इज इक्वल। अब देखिए x किसके बराबर है 2 - √3 क्योंकि वैल्यू ऑफ x इज 2 - √3 प्लस फार्मूले की यहाँ पर जो प्लस है वो लगाया आपने 1/x इज इक्वल क्योंकि अभी अभी आपने फाइंड किया 1/x की वैल्यू वो क्या थी 2 + √3 तो x की वैल्यू 2 - √3 एंड 1/x की वैल्यू जो है वो 2 + √3 राइट। अब आपने क्या किया इनकी ब्रेकेट हटा दी तो आपका आंसर ये है। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कौन से हो रहे हैं कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं कौन से टर्म्स एड हो रहे हैं 2 भी प्लस के ये 2 भी प्लस के 2 2 कितने हो गए 4। अब देखिए ये √-√ किसका है माइनस का है और ये √3 किसका है प्लस का ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेंगे आपके पास प्लस में 4 बचेंगे। अब आपके पास वैल्यू आ गई x + 1/x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना था x² + 1/x²। अब नाउ वी फाइंड x² + 1/x² अब x² + 1/x² कैसे फाइंड करेंगे अगर हम x + 1/x के ऊपर स्क्वायरिंग लगा दें x + 1/x के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो आपको पास x² + 1/x² आ जाएगा। तो हमने क्या किया x + 1/x इज इक्वल 4 टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
बोथ साइड हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर दोनों साइड हमें लगा दिया, यहां भी लगाया फर्स्ट टर्म में, यानी बराबर किस साइड भी, बराबर की उस साइड भी हमने स्क्वायर लगा। उसके बाद स्क्वायर वाला फार्मूला आपको याद है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला तो आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू होना अपॉन एक्स, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले की टू मल्टीप्लाई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर 16। अब क्या होगा, ये x और ये x तो कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड में, तो x स्क्वायर तो 2 आपके पास यहां बचेंगे, 2 प्लस के इधर चले जाएंगे आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे टर्म्स यानी आपके पास, आपको फार्मूला में फिर से इस चीज को रिपीट कर दूं, आपके पास टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग टेकिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला आपने यूज किया और टू यहां पर प्लस के इधर चले जाएंगे आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा 16 में से अगर टू चले जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 14। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल 14। तो ये आपके पास सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या था, क्वेश्चन में था आपके पास टू वैल्यूज फाइंड करनी थी, एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो दोनों की वैल्यू जब आ जाती है तो हमारे पास वो सॉल्यूशन सेट में हम उन चीजों को एड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास इस आंसर में यानी मौजूद है, तो आपके पास सॉल्यूशन, हैंस सॉल्यूशन सेट, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर की हेडिंग में, यानी आंसर में आ जाएगा कि हैंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल फोर कॉमा, यानी फोर द वैल्यू ऑफ फोर इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एंड द 14 इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज जो है आपके पास, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट कहें या इसको आंसर कहें, उस चीज में आपके पास ये इंडिकेशंस हो जाती है। तो ये था हमारा आंसर्स, इसी तरीके से कंप्लीट एक्सरसाइज इसी फार्मूले और इसी कंडीशन में इस चीज को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते आते हैं, तो ये चीज हमारे पास सॉल्यूशंस में एड हो जाती है। तो ये था आज का हमारे पास लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, आपको जो भी चाहिए, यानी रेशनलाइज करने के लिए एक चीज याद कर लें, जो डिनोमिनेटर को कहे या न्यूमरेटर को कहे, उस चीज को मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड, बट साइन जो उसके बीच में, जो टर्म्स के बीच में जो साइन है उसको एक्सचेंज करके रखना है, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करें, जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आंसर आ जाएगा, जो चीज आपको फाइंड करनी थी, जो क्वेश्चन में वो आपको इंडिकेशन करवा रहा था कि ये चीज इस चीज की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं, वो चीज फाइंड करेंगे तो वो फाइनल आपके पास आंसर ही आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप 100% कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला तो याद है आपको, उसमें वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो वो आपके पास सॉल्यूशन सेट में ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो एक्सरसाइज 2.8 पर डिपेंड कर रहा था। 2.8 इज कंपल्सरी एक्सरसाइज फॉर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इनमें से हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई यानी सॉल्यूशंस करेंगे कि जो भी क्वेश्चन अगर आ गए उसको कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसको इसी मेथड के साथ, इसी सॉल्यूशंस के साथ हम सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से आगे जो क्वेश्चन है उसको आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझे, प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्यूशंस हुए और इसको बैठ के आप खुद सॉल्व करें, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व करते जाए, तो फिर आपके लिए यही एक्सरसाइज आसान हो जाएगी और बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आसानी से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो हमारे पास डिपेंड कर रहा था कि ये रेशनलाइज टर्म किस तरीके से होते हैं, उसको किस तरीके से रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज को इतना मुश्किल टर्म्स नहीं था, यानी न्यूमरेटर को कहे या डिनोमिनेटर को, बट टर्म्स वही, यानी जो डिनोमिनेटर को कर रहा है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में भी लिखना है, डिवाइड फॉर्म में भी, बट चेंज द साइन, जो उन टर्म्स में बीच में या मिड पॉइंट में जो साइन यूज हो रहे उसको एक्सचेंज करके रखना है, साइन सिर्फ मिड, यानी जो दो टू टर्म्स में जो साइन यूज हो रही है उसको, साइन को चेंज करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेशनलाइज। फिर आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स यानी ऊपर वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, फिर अगर वो प्लस माइनस हो रहे हैं तो कर दें, अगर नहीं हो रहा तो वो फाइनल आपके पास रिजल्ट में ही इंडिकेशन हो जाएगा। ये तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में भी आएगा अच्छी तरीके से, और कोशिश करना जो चीजें इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।